आपने कभी कोई दिल्ली की शादी अटेंड करी है? जी करी है। तो आपको भी पता होगा कि बारात में नाचते हुए जाना होता है सड़क पे बेसिकली। मैं लड़की वाले की साइड में नहीं होता, सब जगह पे लोग सड़क में नाचते हुए जाते हैं। पर मैं लड़की वाले की साइड से थी तो हमने ऐसा नहीं किया। यूट्यूब पे चले जाओ। अच्छा ठीक है। सब जगह लोग रोड पे नाचते हैं, रोड पे नाचते हैं। जैसा दिल्ली में जैसे माहौल है, डिक्की खोल के डिंचिक डिंचिक चल रहा है और डिंचिक डिंचिक चल रहे हैं 100%। तो वैसा मुंबई में वो तो गणेश चतुर्थी के टाइम पे भी होता है, डिक्की मार के डिंचिक डिंचिक रहता है। हां तो सवाल ही फिर कैंसिल करवा दे। ये मूवी जैसे कि अभी बात कर रहे थे इंसोमनियाक्स के से डील करती है जी। कोई टिप है? दिल्ली में बहुत सारे ऐसे छड़े लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती जी। तो नींद आने के लिए क्या करें या नींद जब नहीं आती तो क्या करें? सवाल ये तो जैसे मेरी कैरेक्टर वो रात को अगर नींद नहीं आती तो वो पढ़ाई करती है, इसलिए उसके उसको स्ट्रेंज ट्रिविया पता है, यू नो अबाउट लाइक वियर्ड थिंग्स, कीड़ों के बारे में, ब्लाइंड लोगों के बारे में। एक ट्रिविया दिया भी है उसने ट्रेलर में कि जब एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो वो ऑन एन एवरेज उसे 8.2 सेकंड के लिए घूरता रहता है। आप मुझे 80.2 सेकंड के लिए घूर रहे हो। जैसे ही आपने लाइन खत्म की, ये लौंडा जो आपको ताड़ रहा था वो सडनली इधर उधर देखने लगा। दिल्ली के स्ट्रीट फूड की बात करें तो आपका फेवरेट कौन सा? यार मेरे को बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है। कल ही हम लोग खा रहे थे राज कचौरी खा रहे थे कल हम लोग मैं एक बार कहाँ गए थे हम लोग, वरदान एक टाइम गए थे ना, वी वेंट टू सम चाट प्लेस। हाँ दिल्ली की चाट, दिल्ली की चाट बहुत शानदार होती है। पहले तो आपके लिए तालियां। आलिया जी को आपका नाम याद है, इससे खुश नसीब बात। अरे वरदान मेरा मेकअप आर्टिस्ट है। वो इंसान की इंपॉर्टेंस आप जानते हो कौन है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में हीरो को साइड में कर देगी लड़की, वरदान है वो। चल हट, तू तो नया आ जाएगा। मैं एक्चुअली जाके आओ ऐसा।